इस सवाल को पढ़ें। इस सवाल में अपने से बोला है, इस सवाल में अपने से बोला है, दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मान लो अगर Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 रखा हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ F है, दोनों के बीच का फोर्स F है, अगर किसी डिस्टेंस पे D लग रहा। तो इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा वो फोर्स F है। तो आप F को क्या लिख सकते हैं? F को लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास फोर्स आ गया। अब क्या लिख सक लिखा है? इफ द चार्जेस ऑन ईच इज हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, Q1 डैश कितना हो गया, Q1 बाई 2 के बराबर है। सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 बाई 2 के बराबर, ठीक है। एंड डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। तो D2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 2 टाइम्स D के बराबर होगी। तो आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं Q1 डैश K टाइम्स ऑफ Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाई D2 का होल स्क्वायर। अब सब वैल्यूज को वहां पर रख दो, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा। तो वैल्यूज को जब आप वहां पर रखेंगे तो कितना आएगा, ये के टाइम्स ऑफ Q1 डैश की जगह पे कितना लिख देना अपने को, Q1 बाई 2 लिख देना। Q2 डैश की जगह पे क्या लिख देना, Q2 बाई 2 लिख देना है। और D2 का स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देना, 2 का स्क्वायर इंटू डी, तो 4 इंटू D2। तो आप देखो ये कितना आ रहा, F डैश अगर लिखे तो ये आ रहा कितना, F अपॉन 16 के बराबर आ रहा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस सवाल में अपने से क्या बोल रहा, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल बॉल्स आर केप्ट एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट। तो इक्वली चार्ज, तो क्यू एंड क्यू ले लेते हैं, दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया गया, मान लो आर डिस्टेंस पे रख दिया गया है। ठीक है, अ सिमिलर एक्सर्ट और रिपल्सिव फोर्स। तो अगर दोनों एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अ सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम इज प्लेस्ड इन द लाइन एडजॉइनिंग बिटवीन द टू बॉल। तो यहाँ पर किसी एक को टच कर दिया, ये क्यू बाई टू और ये क्यू बाई टू हो गया, मान लो इन दोनों को टच कर दिया। ठीक है, टचिंग के बाद क्या हो जाता है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय थर्ड बॉल अपने को चेक करना है ना, बहुत आसान सा सवाल है। तो थर्ड बॉल पे अगर आप देखें तो किसके किसके कारण फोर्स लग रहा होगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स का नाम होगा एफ ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, वो होगा फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, और दोनों का नेट निकाल लेना है। तो अगर हम लोग लिखें F on 3 because of 1 is equal to, कितना हो जाएगा वो, K times of Q by 2 into Q by 2 divided by R by 2 का whole square, R by 2 का whole square। तो ये force कितना आ जाएगा, F3 1 कितना आ जाएगा, ये अपने पास आएगा K times of Q square upon R square, यानी F के बराबर आ जाएगा। आप जरा चेक कर लेना, ये आपको F के बराबर दिख जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग F3 2 कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, K टाइम्स ऑफ Q इंटू Q बाई 2 डिवाइडेड बाई R बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये F3 2 कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, 2F के बराबर आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, नेट फोर्स अगर आप इस पे देखें तो इधर की तरफ लग रहा 2F और इधर की तरफ लग रहा F, तो इस पे F नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2F-F या 2F-F, यानी कि F के बराबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और सवाल क्या बोल रहा है, फोर चार्जेस ईच ऑफ इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या एक स्क्वायर बना लेते हैं और यहाँ पे कॉर्नर्स पे चार्ज रख देते हैं। तो यहाँ पर जितने कॉर्नर्स हैं वहां पे सब जगह हम लोगों ने चार्ज रख दिया, यहाँ 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 सभी जगह चार्ज रख दिया क्यू।
एंड अ स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो इनके सेंटर पे स्मॉल क्यू रखा गया है। अब देखो बेटा, ये जो स्मॉल क्यू है ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। कैसे रहेगा सर, जरा देखो, इस वाले चार्ज के लिए या चार्ज का नंबरिंग मैं कर देता तो आपको और आसान दिखेगा, 1, 2, 3, 4। तो अगर 1 के कारण मैं बोलूं फोर्स किधर होगा, तो 1 के कारण फोर्स इधर के तरफ होगा, है ना। 3 के कारण फोर्स किधर होगा, इधर के तरफ होगा। 2 के कारण फोर्स किधर होगा, 2 के कारण फोर्स ऊपर की तरफ होगा। और फोर्स 4 के कारण जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि ये जो फोर्स है हमेशा, या ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये है अपने पास F2, ये है F4, ये है F1 और ये है F3। ये इक्विलिब्रियम में है अपने पास, ठीक है। तो अपने से ये नहीं पूछ रहा, सवाल में पूछ रहा है क्या, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम का मतलब क्या है, जो सेंटर वाला चार्ज है बेटा वो तो इक्विलिब्रियम है लेकिन बाकी तो नहीं है, तो वही चेक करने बोल रहा अपने को कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो अपने को वो पूछा है, चलो तो अपने को पता सेंटर वाला तो इक्विलिब्रियम में ही है, तो हम लोग उससे एज इट इज रहने देते हैं। आओ अब हम लोग जरा चेक करते हैं 2 के कारण, मान लो 3 पे मैं देख रहा हूँ, आप किसी पे भी देख सकते हैं, मुझे 3 दिख रहा सामने में, स्पेस भी है तो वहीं पे करते हैं। ये फोर्स, ये फोर्स, ये कौन कौन सा फोर्स होगा बेटा, अगर आप देखें तो ये है 3 पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 4, है ना। तो ये है F3 4, ये है F3 2, ठीक है, रिपल्सिव होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एक होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट को मैं इधर निकाल दे रहा हूं, ये दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बेटा, ये F3 कौन सा अपने पास F24 लिख देता हूँ दोनों का रिजल्ट, तो F24 किसके बराबर होगा, F24। उसके लिए आप देख लो कौन कौन सा F32 देखो, और वही इक्वल टू है F34, दोनों किसके बराबर होगा, दोनों बराबर होगा KQ² / A², अगर रेडियस a ले लिया, ठीक है, तो a ले लेते हैं, ठीक। तो ये कितने के बराबर हो गया बेटा, अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 × KQ² / A². अच्छा अब देखो बेटा, इस पे एक और फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ 1, तो 1 के कारण जो फोर्स लग रहा वो भी सेम डायरेक्शन में ही होगा, बकायदा इधर ही होगा। वो फोर्स कितना होगा, अगर वो हम लोग लिखे तो ये फोर्स कितना है, ये है फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1। तो फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1 अगर आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, K × Q² / सेपरेशन कितना है बेटा, ये डिस्टेंस अपने पास कितना है, ये भी है a, ये भी है a, तो ये टोटल डिस्टेंस है √2a, मतलब √2a² यानी ये कितना आ जाएगा, 2a², ठीक है। तो ये वैल्यू भी हम लोग लिख लिए F31। अब थोड़ा सा सोचो बेटा और दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ कि अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर इस पूरे को इक्विलिब्रियम में रहना है तो स्मॉल क्यू के कारण जो फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए, टुवर्ड्स लगना चाहिए ना, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो स्मॉल क्यू के कारण जो फोर्स लगना चाहिए वो टुवर्ड्स लगना चाहिए, तभी रिजल्टेंट जीरो होगा और तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को, यानी ये वाला कौन सा, ये 5 अगर लिख देता हूं मैं, तो ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स बराबर होना चाहिए F on 3 बिकॉज ऑफ 5, तो F on 3 बिकॉज ऑफ 5 भी लिख देते हैं। चलो F on 3 बिकॉज ऑफ 5, तो ये किसके बराबर है, K × Q × Q / सेपरेशन कितना हो जाएगा बेटा, A/√2² के बराबर। ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने, अगर बेटा आप इसको लिखे तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है कितना, √2a/2 हो जाएगा, इसलिए a/2, तो ये कितना आ गया, या है 2 × K × Q × Q / या a². तो नेट फोर्स अपने को क्या, इक्विलिब्रियम चाहिए, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इसका तात्पर्य क्या है, F35 बराबर होना चाहिए किसके किसके, F F24 + F31 वाले फोर्स के। तो इन सब को हम लोग बराबर करते हैं और अपना आंसर वहीं से आएगा। चलिए
स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फाइनली और आंसर लाते हैं। तो ये है एफ टू टाइम्स ऑफ के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टू फोर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, रूट टू टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एफ थ्री वन की वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर के बराबर। तो अब देखो और सिंप्लीफाई करके कट करो तो कौन कौन सा कट हो जाएगा, के क्यू के क्यू के क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये आया टू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू यहां पर कितना आया बेटा, q को आप कॉमन ले लीजिए, ये आया 1 बाई टू प्लस रूट टू, ठीक है। तो q की वैल्यू और कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू और सिंप्लीफाई करो तो q 1 प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। और q देखो अब दोनों ऑप्शन देखो टू एंड फोर ऑलमोस्ट सेम आंसर है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो हम लोगों ने क्या लिया था बेटा, फोर्स टूवर्ड्स है, फोर्स टूवर्ड्स कब रह सकता है, जब चार्ज दूसरा कैसा हो, या अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे वाला नेगेटिव हो, तभी वो टूवर्ड्स हो सकता है, तभी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और तभी सिस्टम बैलेंस होगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू अपॉन फोर वन प्लस टू रूट टू, ये हो गया इसका आंसर। चलो पूरे सिस्टम को हम लोग एक बार और रिपीट करके समझते हैं। देख बेटा हमारे पास कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं जिसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो टू के कारण जो फोर्स लगेगा मान लो थ्री पे देख रहे हैं वो दूर की तरफ लगेगा या अवे होगा क्योंकि सेम टाइप का है, तो एफ थ्री टू, जो फोर के कारण लगेगा वो थ्री फोर दूर के कारण। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया, एफ टू फोर निकाला और जिसकी वैल्यू आई रूट टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट टू कैसे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग जो रिजल्टेंट निकालते थे वेक्टर का, तो एफ टू फोर आया। अब वन और थ्री के कारण भी फोर्स लगेगा इस पे दूर की तरफ, वन थ्री का फोर्स अपने पास क्या है बेटा, वन थ्री का फोर्स पहले डिस्टेंस देख लो, तो डिस्टेंस से जाएगा रूट टू ए के बराबर, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो अब इसका फोर्स निकाल लिया, तो एफ थ्री वन की वैल्यू कितने के बराबर आ गई बेटा, के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर यानी टू टाइम्स ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल क्यू चार्ज कितना होगा, एफ थ्री वन का फोर्स प्लस एफ टू फोर का फोर्स, उसी को लिख दिया। अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, तो स्मॉल क्यू जो फोर्स लगाएगा वो कैसा लगना चाहिए, टूवर्ड्स लगना चाहिए। टूवर्ड्स कब आएगा, जब स्मॉल क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हम लोगों ने एफ थ्री फाइव कर दिया, दोनों फोर्स को बैलेंस कर दिया। तो एफ थ्री फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ थ्री वन प्लस एफ टू फोर, सबको लिखा था एफ थ्री फाइव इज इक्वल टू एफ टू फोर प्लस एफ थ्री वन। एफ थ्री फाइव मतलब फोर्स बिटवीन थ्री एंड फाइव कितना होगा, के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई रूट टू होगा, टोटल डिस्टेंस है बेटा रूट टू ए, तो ये है आधा डिस्टेंस यानी ए बाई रूट टू होगा, इसका स्क्वायर तो आ गया। एफ टू फोर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, उसको पुट कर दिया यहाँ पर, एफ थ्री वन की वैल्यू निकाल दिए थे पुट किया और फिर सिंप्लीफाई करा, तो क्या स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है वो आ गया।